गंज बासौदा हादसे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना पीड़ादायी है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। गंज बासौदा में कुएं के धसने से लोगों की मौत को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ादायी बताया है। उन्होंने कहा है कि एसडीआरएफ लगातार बचाव कार्य का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को सूचना देने में लोगों ने देरी की। गांव के लोगों ने सोचा वे ही लोगों को बचा लेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर इसीलिए नहीं गए क्योंकि प्रशासनिक अमले का ध्यान बंटता। इसके साथ ही जिनको रेस्क्यू करना था सीएम पहुंचते तो उनका भी ध्यान बढ़ जाता। वहीं अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 4 लोगों के शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया है। अभी भी कुएं में 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना सिर उठाएगा तो कुचल देंगे। तीसरी लहर की आहट को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हम सजग हैं, हम कोरोना पर निगाह रखे हुए हैं, 70,000 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। प्रसंग है, पीड़ादायी प्रसंग है। बच्चा खेलते हुए कुएं में गिर गया। दूसरे बच्चे ने जब लोगों को सूचना दी और वो दौड़े आए, उसके बाद यह घटना घटी। कुएं का धसकना एक दो बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई हैं, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, पूरी रात रेस्क्यू चला है। प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय प्रदारक घटना है, मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देर रात तक जानकारी लेते रहे। अभी 11 बजे वो पुनः लाइव जुड़ने वाले हैं घटनास्थल से। लगातार बचाव कार्य जारी है। ये गंभीर विषय है, WHO अगर कहता है, और इसलिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हम निगाह रखे हुए हैं और इसलिए 70,000 से ज़्यादा प्रकरण केस हमारे रोज टेस्ट कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी कोरोना सर उठाता मिलेगा कुचल देंगे, लेकिन नियंत्रण में है। आज भी कुल 21 के आसपास मामले आए, जबकि ठीक होके अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले 37 है। 70,000 टेस्ट कर रहे हैं। हमारी रिकवरी दर 98.8 बनी हुई, कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई कसर नहीं है। पूरी ताकत से शिद्दत से इस कोरोना को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।